आखिरकार सोनिया गांधी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल ली है। हालांकि अभी यह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं, बावजूद सोनिया गांधी के सामने पार्टी को संकट से उबारने की बड़ी चुनौती है। कांग्रेस में जिस तरह से एक तबका राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए देखना चाहता था, उससे कार्यकर्ताओं को थोड़ी मायूसी जरूर हुई थी, लेकिन सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं की मायूसी दूर हो गई। इस बीच सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद रविवार को प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी को तमाम मुद्दों पर घेरा और कई सवाल भी उठाए। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कल तक लोग बहुत चिंतित थे कि शायद कांग्रेस पार्टी इस राजनीति संकट से उभर नहीं पाएगी। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी में अद्भुत क्षमता है संकट से उभरने के लिए। प्रमोद तिवारी ने अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंत्री और अध्यक्ष भी हैं। पुराने दौर को याद करते हुए प्रमोद तिवारी ने कहा कि राजनाथ जी को पिछली बार विवश किया गया था त्याग पत्र देने के लिए। प्रमोद तिवारी ने कश्मीर मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान को अश्लील बयान बताया है। इस पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्तरहीन बयान देश की बेटियों के लिए घटिया सोच और अपने पद की गरिमा गिराने वाला है। 370 का उन्हें सिर्फ यही लाभ दिखा कि कश्मीरी गोरी चिट्टी से ब्याह होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान की कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने भी निंदा की है। उन्होंने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, साथ ही ऐसे गंदे बयान पर सीएम से माफी मांगने की मांग की है। जो तीन राजनीतिक प्रस्ताव में, जिसमें एक तो राहुल जी को धन्यवाद दिया उनके अच्छे कार्य के लिए, उनसे आग्रह किया था कि स्वीकार करें, उन्होंने आग्रह किया और सोनिया जी से एक राय होकर सबने आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार किया, उनको बधाई देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए और कांग्रेस जरूर से ये कहने के लिए कि अब कांग्रेस का अच्छा दौर सोनिया जी के नेतृत्व में शुरू होगा। लखनऊ से जनमत न्यूज के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।